हे फ्रेंड्स, होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका स्वातुस रेसिपीज़ में। आज मैंने बनाई है बहुत ही टेस्टी और यमी सी वनीला आइसक्रीम, वो भी बिना क्रीम या मिल्क पाउडर या किसी तामझाम के। बस दूध से हम लोग ये टेस्टी सी आइसक्रीम बनाएंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, न्यू हो, तो बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैं बहुत ही यमी सी रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, तो आइसक्रीम से बेटर और क्या ही हो सकती है। तो चलिए इस टेस्टी सी आइसक्रीम को बनाते हैं। और अगर चैनल पे पहली बार हो तो जैसे कि मैंने पहले बोला, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाना। तो एक कटोरी ले ली है मैंने, उसमें ले लिया है एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2/3 चम्मच आटा। कॉर्नफ्लोर से ना शाइन आएगा जैसा कि क्रीम में होता है, और आटा से थोड़ा सा बिल्कुल येलोइश कलर, हल्का सा मतलब डार्क कलर। और कढ़ाई में 1 चम्मच मैंने डाल दिया देसी घी, अच्छे स्मेल वाला होना चाहिए, मतलब गाय का शुद्ध वाला घी जो होता है ना, अगर आप घर पे बनाते हो तो वो बेटर है, या आप बटर डाल सकते हो, मतलब वो अजीब टाइप का जिसमें स्मेल होता है वो वाला घी आप मत लें। घी हमने डाला है बस फैट के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्रीम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फैट कंटेंट कुछ डालेंगे ना, जिसके वजह से जब हम लोग इसकी आइसक्रीम बनाएंगे तो ना वो होल्ड करके रख पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर जमा लेंगे तो वो तो फिर सॉफ्ट वाली आइसक्रीम नहीं हुई जो कि हम लोग क्रीम से बनाते हैं, वो तो फिर कुल्फ़ी बन जाएगी या फिर चॉकोबार वाली आइसक्रीम। यहाँ पे हमें थोड़ी सॉफ्ट वाली बनाना है, जो कि दूध पतली रहेगी और कुछ फैट कंटेंट होगा, तो वो जब जमती है ना तो होल्ड करके रखती है। तो इसलिए हमने थोड़ा घी डाला, उसमें आटा और कॉर्नफ्लोर, बस भूनना नहीं है, हल्का सा मिक्स कर दिया। ओके, बहुत ज़्यादा बात करने में वो वाला स्टेप चला गया, बस घी डालेंगे, उसमें आटा और कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स कर देंगे। तो मतलब 20 से 30 सेकेंड उसे बस मिक्स करना है, हल्का सा कुक हो जाए, जलने नहीं देना है, फ्लेम को लो रखेंगे। फिर थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स किया, लम्प फ्री हो गई, तो डाल दिया और भी दूध, जो भी मतलब 1 लीटर लिया था मैंने, फुल फैट दूध नहीं दिया। अगर दूध फुल फैट है ना तो आगे थोड़ा मलाई यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि नॉर्मल वाला ये दूध था वो आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि ये नॉर्मल वाला दूध था इसलिए मैंने बाद में थोड़ी मलाई डाली, ताकि फ्लेवर टेक्सचर और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, थोड़ा और फैट कंटेंट बढ़ जाए। जैसे कि मैंने बोला, आप घी की जगह पे बटर भी डाल सकते हो। तो इसे ना लो फ्लेम करके आप गैस के पास छोड़ दें, इतनी गर्मी में गैस के पास मत खड़े रहना यार। 5-10 मिनट में ये अच्छे से बिल्कुल, वो फ्लेम पर डिपेंड करती है, 2/3 के करीब हो जाएगी। उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया 4 बड़े चम्मच चीनी। चीनी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। तो चीनी डालने के साथ ना लगातार मिलाएंगे। इसमें हमने आटा और कॉर्नफ्लोर डाला है, तेज फ्लेम बिल्कुल भी मत करें, लो फ्लेम पे कुक करें चीनी मिक्स होने तक, फिर फ्लेम को कर देंगे ऑफ। अभी भी ये लुक वार्म, जैसे आप देख सकते हो टेक्सचर कैसा है, इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, मतलब 1 लीटर दूध को 2/3 तक होने तक पकाया मैंने। अब इसमें ये बिल्कुल फ्रेश मलाई नहीं है, फ्रिज में 4-5 दिन की मलाई है ये, इसीलिए इसे ना उबलते हुए दूध में नहीं डाला, क्योंकि 4-5 दिन की मतलब बहुत दिन की जब मलाई हो जाती है तो इसे गर्म दूध में डालेंगे तो फट भी सकती है। तो मलाई डालने के बाद इसमें डाल देंगे वनीला एसेंस, बहुत ही ज़रूरी है ये डालें, तभी तो ना वनीला फ्लेवर यानी वनीला आइसक्रीम की आपको खुशबू आएगी, आपको वो फ्लेवर आएगा वनीला आइसक्रीम का, वनीला एसेंस के बिना तो ये अधूरी है। बस मिक्स कर देंगे। इसके बाद इसे एक, मेरे पास जो ये डब्बा है जिसमें मैं आइसक्रीम जमाती हूँ, उसमें मैंने डाल लिया। कोई भी डब्बा ले सकते हो जो कि एयरटाइट हो ऑब्वियसली, और इसे हम लोग अभी फाइनली नहीं जमाने वाले हैं, इसे क्लिंग रैप से थोड़ा रैप करेंगे ताकि ना आइस क्रिस्टल्स इसमें नहीं लगे। आप किसी भी तरह की प्लास्टिक की जो भी होती है पॉली बैग्स, वो आप इसमें ले सकते हो, या फिर इसकी जगह पर आप एल्यूमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से अंदर की तरफ लगाते हुए इसे मैं बंद करके 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, मतलब अभी इसे सेमी फ्रीज करना है। और आप ये सेंस समझ सकते हो, ये थोड़ी ठंडी होगी, घी डाला है इसमें, मलाई डाला है, एक साथ मिल गई, ठंडी हो जाएगी ना, तो हम लोग इसे मिक्सर में थोड़ा सा चर्न करेंगे 30-40 सेकेंड तक। ये 4-5 घंटे के बाद ये सेमी फ्रीज हो गई, मिक्सर में चर्न करेंगे, जैसे व्हिपिंग क्रीम को हम लोग विस्क करके बनाते हैं, तो ये भी थोड़ी सी फ्लफ़ी हो जाएगी। और आप देखोगे, जैसे अभी जितनी है ये आइसक्रीम, इसे मैं स्कूप से निकाल करके मिक्सर में डालूँगी,
बिना क्रीम के बना रहे हैं तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स लगानी पड़ेगी, जिससे कि वो एकदम क्रीमी आइसक्रीम वाली फीलिंग आएगी, जो कि हम लोग नॉर्मली रेस्टोरेंट में या फिर बाहर जाके खाते हैं। तो अभी ना ये थोड़ी सी दरदरी सी है, जब इसे मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने मलाई को भी नहीं अच्छे से मिलाया था, क्योंकि बाद में हमें इसे पीसना ही था। मलाई भी वैसे ही डाल दी, आटा वगैरह भी वैसे ही इसमें डाल दिया। तो अब जब ये पिस जाएगी ना, तो बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा, एकदम क्रीम के जैसा। तो अभी पल्स मोड पे इसे मैं चलाऊंगी 5-10 सेकंड के लिए एक बार, फिर 5-10 सेकंड के लिए, ऐसे 2-3 बार चलाना है। तो ये बिल्कुल भी फ्रोथी सा हो जाएगा, मतलब अपने जितना भी है उससे थोड़ा सा डबल ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि मलाई डाली है, घी डाली है, ये सब जब विस्क होती है ना ठंडी होने के बाद, तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अब इसे फिर से वही क्लिंग रैप जो मैंने निकाला था बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए, उसे मैं इसमें लगा दूंगी, और फिर डब्बा बंद करके अगेन फ्रिज में 7 से 8 घंटे के लिए, मैंने ओवरनाइट के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। अब क्या है, ये टेस्टी सी वनीला आइसक्रीम टोटली रेडी है सर्व करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, यानी सबसे टेस्टी बात आप बोल सकते हो, क्या है ना कि ये जो आइसक्रीम बेस बन गई है, इससे आप किसी भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हो। इसमें चॉकलेट मिला दोगे, इससे चॉकलेट आइसक्रीम बन जाएगी, स्ट्रॉबेरी मिला दोगे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बन जाएगी। मैं ज़रूर आपको बना के भी दिखाऊंगी। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, लाइक कर देना, लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। अभी ना एकदम से फ्रिज से निकाला है, तो थोड़ी सी हार्ड है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी देर में आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। इसका टेस्ट मतलब इतना अमेजिंग आता है कि आप रेसिपी पे मत जाओ कि कॉर्नफ्लोर डाला है, आटा डाला है। आप इसे एक बार बना के खाओगे ना, तो आप और सारी रेसिपीज़ भूल जाने वाले हो, और एक स्कूप एक पर्सन के लिए काफ़ी है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी सारी बनी है, बस 1 लीटर से कितनी सारी आइसक्रीम। तो क्रीम, देखिए क्रीम तो मार्केट में इजीली मिल जाती है, हम लोग बना सकते हैं, लेकिन विस्क करना बहुत ही मुश्किल है बिना इलेक्ट्रिक बीटर के या इलेक्ट्रिक विस्कर के। अब आपको क्रीम से बनानी है तो आप ना सिंपली विप क्रीम में, जैसे कॉर्न स्टार्च का घोल थोड़ा पका के विप क्रीम में मिला सकते हो। तो मैंने बिना हैंड ब्लेंडर के विप क्रीम कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी डाली है, लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज़रूर चेक कर लेना। लेकिन ये आइसक्रीम तो इतनी ज़्यादा यमी है ना कि मैं बोलूँगी विप क्रीम वाली, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो मत उतनी मेहनत करो, ये ट्राई करो, ये बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो घर पे और इन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो ये कितनी आसानी से स्कूप से बाहर आ गई, कितनी क्रीमी दिख रही है और अपने शेप में भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें घी डाला है, फैट कंटेंट ज़्यादा है ना, जिसकी वजह से ये अभी ठंडी है तो अपनी शेप होल्ड की हुई है। वही हम लोग क्रीम डालते हैं तो क्रीम भी जम जाती है, क्रीम को हम लोग विस्क करते हैं, क्रीम फ्लफी होती है और इस तरीके से वो आइसक्रीम बनके निकल जाती है। तो आप ज़रूर ट्राई करना, रेसिपी अच्छी लगेगी तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।